हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा स्वीट रेवोल्यूशन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसको होलिस्टिकली कवर करेंगे। स्वीट रेवोल्यूशन क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होगा। स्टार्ट करने से पहले आप देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं इन इंडिया, वी एम टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, राइट। हमारा ये एम है, हमारा ये गोल है। अब जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम एग्रीकल्चर के साथ अलाइड एक्टिविटीज की बात करते हैं। इट इज ऑलवेज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अब देखिए, यहां पर अलाइड एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। जो भी आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, चाहे फिर वो वीट की प्रोडक्शन हो, चाहे राइस की प्रोडक्शन हो, यहां पर हम क्या चाहते हैं कि फार्मर एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें। अब अलाइड एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर के साथ साथ आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेयरी फार्मिंग, फॉर एग्जाम्पल हनी, दैट इज एपिकल्चर। ऑन द अदर हैंड और क्या कर सकते हैं हम, एक्वा कल्चर, जिसको आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पिस्सी कल्चर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जब फार्मर एग्रीकल्चर कर रहा है तो वहां से भी उसको इनकम मिल सकती है। ऑन दी अदर हैंड जब वो एलाइड एक्टिविटीज कर रहा है तो वहां से भी उसको इनकम का बेनिफिट हो सकता है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर, जब आपकी एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रॉपरली नहीं हुई ड्यू टू एनी रीजन, चाहे ड्रॉट पड़ गया, चाहे बहुत ज्यादा बारिशें हो गई, फ्लडिंग आ गई, तो क्या होगा, जो आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो हार्म हो जाएगा। तो फार्मर भूखा ना मरे, तो इसीलिए यहां पर क्या करा गया है, आपको एलाइड एक्टिविटीज के बारे में बताया जा रहा है। तो एलाइड एक्टिविटीज में चाहे फिर वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे फिर एपिकल्चर हो, चाहे वो एक्वा कल्चर हो, ये तीनों ही चीजें कौन प्रमोट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है। तो स्वीट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, दैट इज हनी, एपिकल्चर से रिलेटेड है। तो यहां पर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है हमारे फार्मर्स के लिए कि आप अलाइड एक्टिविटीज की तरफ भी ध्यान दें, जिसकी जिसकी वजह से हम क्या कर पाए, डबल कर पाए फार्मर की इनकम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब देखिए, व्हाई वाज इट इन न्यूज रिसेंटली, द केवीआईसी, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन एट विलेज इन यूपी। अब देखिए, प्रीलिम्स का अगर क्वेश्चन बनता है तो वो पूछ सकते हैं कि कंट्री की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां पर लगी है, तो याद रखना है यूपी। अब यहां पर दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, स्वीट रेवोल्यूशन क्या है, और दूसरा क्या अराइज होता है कि जो आपका ये हनी प्रोसेसिंग वैन है, इसका मकसद क्या है, ठीक है। तो यहां पर दो एजेंडाज को हम होलिस्टिकली कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन देख लीजिए, यहां पर आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। एग्रीकल्चर को अगर हम देखते हैं तो बहुत से रेवोल्यूशंस हमारी कंट्री में हो रहे हैं। अब रेवोल्यूशंस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है फार्मर्स को कि जिससे कि आप अलाइड एक्टिविटीज की तरफ देख सके, राइट। तो पहला जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन सबको पता है किससे रिलेटेड है, फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑन द अदर हैंड व्हाइट रेवोल्यूशन, अगर हम व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट येलो रेवोल्यूशन, अब येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स। ब्लू रेवोल्यूशन, इट इज रिलेटेड टू फिशरीज। तो यहां से आपको एक्वा कल्चर दिख रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रूट्स प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मतलब हॉर्टिकल्चर पे भी ध्यान दिया जा रहा है। अब हॉर्टिकल्चर पे ध्यान देने का मतलब क्या है कि हम अपनी फूड प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन, कि जो फार्मर्स हैं वीट और राइस को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान दे, क्योंकि वीट और राइस क्या है, हमारे स्टेपल फूड। उन स्टेपल फूड के साथ साथ आपको क्या चाहिए, मल्टी विटामिंस भी चाहिए, बहुत सारे मिनरल्स भी चाहिए आपको एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को हम सपोर्ट कर पाए। तो योर गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रूट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ब्लैक एंड ब्राउन रेवोल्यूशन, इज रिलेटेड टू द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी।
ऐसे ही अगर हम राउंड रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू पोटेटो. नेक्स्ट सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्स. तो यहां पर भी आप किसकी फार्मिंग की बात कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग की बात कर रहे हैं. राइट, नेक्स्ट आता है दैट इज पिंक रेवोल्यूशन. पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मीट. ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स. एंड द लास्ट वन दैट इज रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू टोमेटोज. तो यहां पर आपने देखा है वेरियस टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से एक रेवोल्यूशन क्या है, दैट इज स्वीट रेवोल्यूशन. ठीक है जी, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, स्वीट रेवोल्यूशन के बारे में बात करी गई है. तो कंट्री की पहली मोबाइल ट्रांस प्रोसेसिंग हनी वैन कहां पर लगाई गई है, दैट इज इन यूपी. सो स्वीट रेवोल्यूशन क्या है, इट इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग एपीकल्चर व्हिच इज नोन एज बी कीपिंग. एंड मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन इनिशिएटिव इज टेकन इन परसुएंस ऑफ स्वीट रेवोल्यूशन. अब देखिए मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन क्यों लगाई गई है. देखिए जो भी एपीकल्चर के फार्मर्स हैं, जो बी कीपिंग करते हैं, उनको अपने हनी को प्रोसेस करवाने बहुत दूर जाना पड़ता था, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती थी, जिसकी वजह से जो हनी की प्राइस है वो राइज हो जाता था. तो यहां पर उनको ट्रांसपोर्टेशन ना करनी पड़े, ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा ना लगाना पड़े, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि हम एक मोबाइल वैन, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च कर देते हैं, जिससे कि जो फार्मर्स को ट्रांसपोर्ट करके अपने हनी को लेके जाना नहीं पड़ेगा फॉर दी प्रोसेसिंग, उनकी प्रोसेसिंग घर बैठे ही हो सकती है. तो यहां पर क्या हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, दी इट विल प्रोसेस दी बी कीपर्स हनी एट देयर डोर स्टेप्स. तो यहां पर उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी. जब उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, दैट मींस और भी ज्यादा फार्मर्स इंटरेस्टेड होंगे इस एपीकल्चर को अपनाने में. ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट का क्या मकसद है मोबाइल वैन लॉन्च करने का, कि जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाए. दूसरा क्या है, कोई भी अडल्ट्रेशन ना हो पाए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट करके आप प्रोसेसिंग यूनिट तक लेके जाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट वहां पर अडल्ट्रेशन कर सकता है, मतलब मिक्सचर कर सकता है और उसको इम्प्योर कर सकता है. तो यहां पर क्या है, जब डोर स्टेप पे आपकी प्रोसेसिंग हो रही है तो अडल्ट्रेशन का स्कोप बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. ठीक है जी, सो दो बेनिफिट्स हो गए. राइट, नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है, इट विल रिड्यूस द हनी एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट टू द बी कीपर्स. अब तभी तो उनको प्रॉफिट होगा, अंटिल एंड अनलेस उनकी कॉस्टिंग ही बहुत ज्यादा है तो उनको प्रॉफिट किस बात का होगा. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सपोर्ट कर रही है, कि उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना लगे, उनकी जो प्रोसेसिंग फी भी है वो भी बहुत कम हो जाए. ठीक है जी, नंबर टू, दिस विल ऑल्सो एलिमिनेट एनी स्कोप फॉर अडल्ट्रेशन. ये मैं आपको बता चुकी हूं, क्योंकि जब वो प्रोसेसिंग यूनिट के पास लेके जाएंगे तो वहां पर स्कोप रहता है कि जो हनी है वो अडल्ट्रेटेड फॉर्म में मिलेगा, इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा. अब यहां पर क्या है, क्योंकि वैन आपके घर तक आएगी, आपके डोर स्टेप तक आ रही है, तो यहां पर अडल्ट्रेशन का स्कोप बहुत ज्यादा कम हो जाता है. राइट, सो दिस वॉज अबाउट दी स्वीट रेवोल्यूशन. अब देखिए यहां पर एक अथॉरिटी के नाम दिया गया है, दैट इज केवीआईसी. उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. देखिए केवीआईसी क्या है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एक्ट ऑफ 1956. अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का अगर बनता है तो वहां पर यह बन सकता है कि केवीआईसी क्या, कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो आपको याद रखना है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, जो किसी एक्ट के तहत बनती है. ठीक है, सो केवीआईसी एक्ट बना है, दैट इज 1956. अब देखिए ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ MSME. अब इसका मकसद क्या है, इट इज चार्ज्ड विद प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज इन कोऑर्डिनेशन विद अदर
एजेंसीज। सो यहां पर मकसद क्या है, जो हमारा रूरल एरिया है जहां पर विलेज इंडस्ट्रीज सेटअप है, कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप है, उनको प्रमोट करने के लिए क्या बनाया गया है, दैट इज केवीआईसी। सो ये जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, ये भी किसने लॉन्च की है, दैट इज केवीआईसी। केवीआईसी के बारे में क्या याद रखना है, एक तो ये स्टैचुरी बॉडी है, इट इज मेड अंडर एन एक्ट विच इज नोन एज द केवीआईसी एक्ट 1956। ऑन द अदर हैंड ये याद रखना है कि ये किस मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, तीसरा इसका मकसद क्या है, जितने भी हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, विलेज इंडस्ट्रीज हैं, छोटी इंडस्ट्रीज जो रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करती हैं, उनको उनकी प्रमोशन और उनकी स्ट्रेंथनिंग में ये हेल्प करती है। ठीक है जी, सो दिस इज रिलेटेड टू केवीआईसी। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नंबर वन क्या है, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हनी टू प्रोसेसिंग प्लांट्स इज एन एक्सपेंसिव अफेयर। एक एक्सपेंसिव अफेयर है क्योंकि फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, अपना जो हनी है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा के प्रोसेसिंग यूनिट तक लेके जाना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या चाहते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। दिस इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वी वॉन्ट टू अवॉइड हाई ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। दिस इज पॉइंट नंबर टू। नेक्स्ट, रिड्यूस द हनी एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। सो बात बार बार यही हो रही है कि हम उनके प्रोसेसिंग कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट इज एलिमिनेट एनी स्कोप फॉर अडल्ट्रेशन ऑफ द हनी। क्यों, क्योंकि प्रोसेसिंग कहां पर करी जाएगी, इट विल बी एट द डोर स्टेप ऑफ द फार्मर। राइट, नेक्स्ट अबाउट स्वीट रेवोल्यूशन। अब ये क्या है, इट इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग एपीकल्चर। अब एपीकल्चर क्या है, इट इज एन अलाइड एक्टिविटी। तो हम एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या प्रमोट करना चाहते हैं, द अलाइड एक्टिविटीज। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, टू अवॉइड अ बूस्टर शॉट टू स्वीट रेवोल्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन इन 2020। अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं स्वीट रेवोल्यूशन को, तो मिशन बनाया गया है, दैट इज नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन ऑफ 2020, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यहां पर जो मोबाइल प्रोसेसिंग हनी वैन लगाई गई है, तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है जी, नेक्स्ट, इट एम्स टू एक्सेलरेट द प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ हनी इन आर कंट्री। ठीक है, सो यहां पर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्वीट रेवोल्यूशन। स्वीट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, जब आप प्रोडक्शन को, किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहां पर स्वीट रेवोल्यूशन क्या हो गया, जब हम हनी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए एपिकल्चर के अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कहां पर ये बेनिफिट पहुंचाता है। अगर आप ये डायग्राम देखें तो आप देखेंगे हनी इट फाइट्स इंफेक्शंस, सो यहां पर ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल की तरह काम करती है। तो यहां पर आपसे साइंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर रिलेटेड टू हनी। क्या ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, क्या ये एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, यस। ठीक है, तभी आपको जब खांसी होती है तो मम्मा क्या करते हैं, हनी मिला के दे देते हैं आपको, थोड़ा सा वार्म करके दे देते हैं, तो वो क्या है, इट हैज एंटीबैक्टीरियल वैल्यूज। ठीक है, नंबर टू, जो रॉयल जेली है उसको, इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल, इट फाइट्स इंफेक्शन एंड इट इज हेल्दी फॉर योर स्किन। ऐसे ही अगर हम बी वेनम की बात करेंगे, इट इज एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज फाउंड इन स्किन क्रीम्स, जो आपके स्किन क्रीम्स हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। तो ऑल द मोर ये क्या है, जो हनी के जितने भी बाय प्रोडक्ट्स भी हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर हम बात करें, दे कैन बी यूज इन फार्मास्यूटिकल्स, जो भी आपकी कॉस्मेटिक्स हैं वहां पर यूज हो सकता है, एज अ फूड प्रोडक्ट यूज हो सकता है, नेक्स्ट एज अ बेवरेज यूज हो सकता है, और कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इनके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं।
तो हनी के साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी बेनिफिशियल हैं, ठीक है। इसीलिए स्वीट रेवोल्यूशन को हम और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट, हनी मिशन प्रोग्राम। देखिए, जो हनी मिशन प्रोग्राम है वो केवीआईसी ने लॉन्च किया था, कब, 2017 और 18 की बात है। यहां पर हम चाहते क्या है, वी वॉन्ट टू ट्रेन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना चाहते हैं अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ हनी बी कॉलोनीज। जो भी हनी बी की कॉलोनीज हैं उनको कैसे स्टडी करना है, कैसे उनको हमने इंक्रीज करना है नंबर, वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है किनको, फार्मर्स को, ठीक है जी। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बी एनिमीज एंड डिजीजेस। अब बीज के लिए जो भी डिजीजेस हैं उनको हम स्टडी करना चाहते हैं और अवेयरनेस देना चाहते हैं किसको, फार्मर्स को, ठीक है जी। नेक्स्ट, अक्वेंटेंस विद द एपिकल्चरल इक्विपमेंट्स। जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू बी कीपिंग है वो भी हम प्रमोट करना चाहते हैं। एंड द लास्ट वन इज हनी एक्सट्रैक्शन एंड वैक्स प्यूरिफिकेशन। जो भी हनी के बाय प्रोडक्ट्स हैं वो बाय प्रोडक्ट्स भी हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए, दैट इज द एजेंडा ऑफ केवीआईसी। तभी केवीआईसी ने हनी मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया था 2017 और 18 में। तो ट्रेनिंग देना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करना, और जो भी आपके हनी के बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको भी एफिशिएंटली यूज करना, दैट वाज द मेन मेजर मिशन ऑफ द हनी मिशन प्रोग्राम, ठीक है जी। नेक्स्ट, सो कंक्लूजन क्या है, अब बी कीपिंग क्या है, इट इज अ लो इन्वेस्टमेंट एंड हाईली स्किल्ड एंटरप्राइज। अब देखिए यहां पर दो कीवर्ड्स यूज हुए हैं, इट इज लो इन्वेस्टमेंट, तभी हमेशा एग्रीकल्चर के साथ अलाइड एक्टिविटीज को बोला जाता है प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अलाइड एक्टिविटीज हैं वो हमेशा ही लो इन्वेस्टमेंट जो आपका ऑप्शन बन जाता है, लो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो जब आपको इन्वेस्टमेंट कम लगानी पड़ेगी तो बहुत से फार्मर्स इसको करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हैज बीन इमर्ज एज अ ग्रेट इनेबलर फॉर सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन कर देते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे कि हम उस रेवोल्यूशन को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना पाए, तो यहां पर जो मकसद है वो पूरा हो जाता है, ठीक है जी। एंड सेकंड पॉइंट इज स्केलिंग अप बी कीपिंग विल डबल द फार्मर्स इनकम। अब देखिए हमारा मकसद ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू डबल द फार्मर्स इनकम, तभी हम अलाइड एक्टिविटीज में प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड बी कॉन्जर्वेशन। अब देखिए बी कॉन्जर्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बी कॉन्जर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके पॉलन ग्रेन्स हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे एक्चुअली में डिस्पर्स होते हैं, ड्यू टू बीज। तो अगर बीज ही नहीं होंगी तो पॉलन डिस्पर्शन कैसे होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। तो यहां पर बीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। सो हम बी की कंजर्वेशन भी करना चाहते हैं एंड इंक्रीज दी क्रॉप प्रोडक्टिविटी, तभी यहां पर कंजर्वेशन से क्रॉप प्रोडक्टिविटी को लिंक किया गया है। क्योंकि अंटिल एंड अनलेस पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, तो क्रॉप प्रोडक्शन कैसे अच्छी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह के कैरियर्स हैं। तो बीज को बचाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम क्रॉप डाइवर्सिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। सो इसीलिए यहां पर हनी मिशन का मकसद ही क्या है कि हम बी कॉन्जर्वेशन पे भी ध्यान देना चाहते हैं। फूड सिक्योरिटी तो करना ही करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू जनरेट दी एम्प्लॉयमेंट बट वी वॉन्ट टू कंजर्व दी बीज ऑल्सो, राइट। सो दिस वॉज दी कवरेज ऑफ दी हनी मिशन स्वीट रेवोल्यूशन जिसको कहा गया है। आप जब भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा अलाइड सेक्टर को फोकस में लेके आंसर लिखें, क्योंकि उससे क्या है आपकी होलिस्टिक कवरेज होती है, ठीक है जी। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।